जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वृत्तासेशा की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है। मैंगलोर स्कूल में धर्म बहन टीचर द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने से इनकार किया गया। निष्कासन की धमकी के बाद फ्रांसीसी पत्रकार भारत छोड़ रहे हैं। भारतीय चर्च ने हाशिए की आवाज पर धर्मसभा आयोजित की। पोप फ्रांसिस ने भारत में 5 नए बिशप नियुक्त किए, एक को पदोन्नत किया। असम में ईसाई राज्य सरकार की भ्रामक योजना की आलोचना कर रहे हैं। चर्च भूमि विवाद पर झड़प के बाद 5 ईसाइयों को गिरफ्तार किया गया। अब जानते समाचार विस्तार से। मैंगलोर स्कूल में धर्म बहन टीचर द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने से इनकार किया गया। मैंगलोर में एक कॉन्वेंट स्कूल ने 15 फरवरी को कुछ हिंदू राष्ट्रवादी समूह के आरोप से इनकार किया है कि एक धर्म बहन शिक्षक ने हिंदू देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। हिंदू समूह के दबाव के चलते धर्म बहन को निलंबित करने के 3 दिन बाद सेंट गोरसा हाई स्कूल का इनकार आया। स्कूल की प्रधान अध्यापिका सिस्टर अनीता के एक प्रेस बयान में स्पष्ट किया गया कि सिस्टर मैरी प्रभा सेल्वराज ने हिंदू देवताओं का अपमान नहीं किया था, बल्कि नैतिक शिक्षा की कक्षा में केवल नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविन्द्र नाथ टैगोर की कविता कार्य ही पूजा है पढ़ाई थी। प्रधान अध्यापिका ने कहा कि धर्म बहन ने हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने से इनकार किया है। उन्होंने जो किया है वे छात्रों को कविता का अर्थ समझाया था। शिक्षिका ने स्पष्ट किया कि उन्होंने हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। निष्कासन की धमकी के बाद फ्रांसीसी पत्रकार भारत छोड़ रहे हैं। एक फ्रांसीसी पत्रकार ने शुक्रवार को कहा कि वह भारत छोड़ रही हैं, जहां उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक काम किया है, क्योंकि अधिकारियों ने उन्हें दुर्भावनापूर्ण और आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए निष्कासित करने की धमकी दी थी। आलोचकों का कहना है कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता पर लगातार हमले हो रहे हैं। संवेदनशील विषयों को छूने वाले पत्रकारों को अक्सर सरकार की फटकार का शिकार होना पड़ता है। साप्ताहिक पत्रकारिता ले पॉइंट सहित कई फ्रांसीसी भाषा के प्रकाशनों में योगदानकर्ता वेनेसा डोगनिक ने 23 वर्षों तक भारत में काम किया था। गृह मंत्रालय ने पिछले महीने उन्हें एक नोटिस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि उनका काम राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक था और कहा है कि उन्हें अस्थायी रूप से उनका स्थानीय निवासी रद्द करने का फैसला किया है। भारतीय चर्च ने हाशिए की आवाज पर धर्मसभा आयोजित की। भारत में सिनोडल चर्च हाशिए की आवाज पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 16 से 17 फरवरी को इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट बेंगलोर में आयोजित किया गया था। इस धर्मसभा कार्यक्रम का समन्वय भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन CBCI अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कार्यालय और तमिलनाडु बिशप परिषद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। भारत की कैथोलिक बिशप सम्मेलन की 2016 की दलित सशक्तिकरण नीति के प्रकाश में, जो जाति प्रथाओं को अनिवार्य करती है और समावेशी समुदाय की वकालत करती है, राष्ट्रीय सम्मेलन ने एक साथ चलने की यात्रा पर विचार किया। इसने चर्च और सामाजिक क्षेत्रों में दलित ईसाइयों के हाशिए पर रखे जाने को भी संबोधित किया। पोप फ्रांसिस ने भारत में 5 नए बिशप नियुक्त किए, एक को पदोन्नत किया। भारत में कैथोलिक चर्च 17 फरवरी को विश्वों के सामूहिक नियुक्ति का एक और दौर देखा गया। उसी दिन पोप फ्रांसिस ने 1 आर्च बिशप और 5 बिशप का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। नियुक्ति और इस्तीफे की घोषणा रोम में दोपहर और उसी समय भारत में की गई। होली सी प्रेस कार्यालय के अनुसार नवीनतम नियुक्तियां बिहार में पूर्णिया, मध्य प्रदेश में खंडवा और इंदौर, महाराष्ट्र में औरंगाबाद और तेलंगाना में खम्मम और नालगोंडा के धर्म प्रांत के लिए है। पॉप ने औरंगाबाद के कोएडजुटर बिशप बर्नार्ड लेंसी पिंटो को धर्मप्रांत के नए बिशप के रूप में पदोन्नत किया है। नए निर्वाचित बिशप हैं इंदौर के थॉमस मैथ्यू, पूर्णिया के फ्रांसिस तिर्की, नालगोंडा के फ्रांसेलियन कर्मन धमन कुमार, खंडवा के ऑगस्टिन मधातिकुनेल और खम्मम के प्रकाश अगिली। नवीनतम नियुक्तियां पॉप द्वारा 5 धर्म प्रांतों के लिए बिशप और दूसरों के लिए एक सहायक की नियुक्ति के 1 महीने बाद हुई है। असम के ईसाई राज्य सरकार की भ्रामक योजनाओं की आलोचना कर रहे हैं। असम में ईसाई चर्चों ने उपचार को धर्मांतरण के बराबर बताने वाले राज्य सरकार के गुमराह करने वाले बयान की आलोचना की है।
सभी चर्चों की एक प्रमुख संस्था असम क्रिश्चियन फोरम SCF ने भी राज्य में मिशनरी स्कूल से ईसाई प्रतीकों को हटाने की एक कट्टरपंथी हिंदू समूह की मांग को खारिज कर दिया है। समूह कुटुंबा सुरक्षा परिषद ने आरोप लगाया है कि मिशनरी अन्य धर्मों के छात्रों को परिवर्तित करने के लिए ऐसे प्रतीकों का सूक्ष्मता से उपयोग करते हैं। असम के कैबिनेट का यह दावा है कि ईसाई जादुई उपचार में संलग्न है, गलत और गुमराह करने वाला है। ACF ने कहा, हमारी कई डिस्पेंसरी और अस्पताल मान्यता प्राप्त चिकित्सा ढांचे के भीतर काम करते हैं, जो बीमारों को आवश्यक सेवा प्रदान करते हैं। चर्च भूमि विवाद पर झड़प के बाद 5 ईसाइयों को गिरफ्तार किया गया। मेथोडिस्ट चर्च के पास एक सार्वजनिक सड़क को चौड़ा करने से जुड़े भूमि विवाद पर हाल ही में हुई झड़पों के बाद गांव में गिरफ्तार किए गए 21 लोगों में 5 ईसाई भी शामिल हैं। पुलिस ने 15 फरवरी को 21 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश कर रही थी, जो तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले के जनवाड़ा गांव में झड़प के बाद फरार हैं। मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के प्रमुख और राज्य की राजधानी हैदराबाद में स्थित बिशप MA डैनियल ने कहा, पुलिस ने हमारे 5 विश्वासियों को गिरफ्तार कर लिया और विपक्षी पार्टी की शिकायत के आधार पर 19 अन्य ईसाइयों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। भारत के मेथोडिस्ट चर्च के शीर्ष नेता ने कहा कि 13 फरवरी को हिंदू ग्रामीण के एक समूह द्वारा हमला किए जाने पर लगभग 20 ईसाई घायल हो गए थे। गिरफ्तार किए गए और अभी भी फरार लोगों पर आपराधिक अपराधों और दलित या पूर्व अछूत लोगों के खिलाफ अत्याचार से निपटने वाले एक विशेष कानून के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसी के साथ कलिसे समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरिटास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RBA मोबाइल ऐप। RBA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाइयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RBA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।